प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को पेइंग कस्टमर कैसे बनाए, ये जर्नी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से पेइंग कस्टमर तक की जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस प्रोसेस को अच्छे से समझ के अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने से आपके बिजनेस की ग्रोथ आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इनटू पेइंग कस्टमर। सेकंड, कस्टमर सेल साइकिल। थर्ड, बजटरी रेगुलेटरी कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज। अभी हम समझेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं और उससे पैसे कैसे निकालें, क्योंकि अल्टीमेटली उससे पैसा निकालना, उस कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचना, वही आपका मेन मोटिव है। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इनटू पेइंग कस्टमर, इस प्रोसेस की चार एडवांटेजेस होती है हमारे बिजनेस के अंदर। फर्स्ट, आप अपने कस्टमर की सेल साइकिल को समझ जाते हैं। सेकंड, आप एक फाउंडेशन क्रिएट कर पाते हैं कि आपके पर कस्टमर एक्विजिशन प्राइस कॉस्ट कितना बैठ रहा है। थर्ड, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऐसे हिडन ऑब्स्टेकल्स को जिनको हम देख नहीं पाते बट वो हमारे बिजनेस के आड़े आते हैं और हमारे बिजनेस को बंद कर देते हैं। फोर्थ, आप अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर को ये बता पाएंगे कि हाँ, मुझे भी पता है कि क्या प्रोसेस होता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इनटू पेइंग कस्टमर। मुझे पता है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को कैसे पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करना है। तो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर भी समझ जाएंगे कि इस बिजनेस में अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करने के पूरे प्रोसेस को हम 6 स्टेप्स के जरिए अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट, हाउ विल कस्टमर डिटरमाइन दैट दे हैव अ नीड और एन अपॉर्चुनिटी। कोई भी इम्पोर्टेंट परचेसिंग के टाइम पे कस्टमर बार बार सोचता है कि इस प्रोडक्ट को मैं इस ब्रांड से लूं या उस ब्रांड से खरीदूं। तो उस टाइम पे कस्टमर दूसरे ब्रांड को नहीं चूज करते हुए आपके ब्रांड को क्यों चूज करे, उसकी वैल्यू, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू आपको जतलाना होगा। सेकंड, हाउ विल दे नो अबाउट योर ब्रांड। आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके टारगेटेड ऑडियंस, आपके टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे, इस प्रोसेस को आपको पूरा मैपिंग करना होगा। थर्ड, हाउ विल कस्टमर एनालाइज योर प्रोडक्ट और सर्विस। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो भी इंपॉर्टेंस है, उसकी जो भी वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस, हर एक कस्टमर, टारगेटेड कस्टमर तक, टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज की एक्यूरेट इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू कस्टमर तक पहुंचता है, तभी वो सोचता है आपके ब्रांड के प्रति, आपके ब्रांड को खरीदने के लिए, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के बारे में सोचता है, वो बार बार डिसीजन लेने के लिए सोचता है और अल्टीमेटली वो इन्वेस्ट करता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में। फोर्थ, हाउ विल कस्टमर एक्वायर योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपके प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है या ऑफलाइन अवेलेबल है, उसको कैसे खरीदा जा सकता है, उसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदा जा सकता है या उसको रिटेलर के थ्रू खरीदा जा सकता है, किस तरह से वो कस्टमर तक पहुंचेगा, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे पहुंचेगा, उसकी पूरी मैपिंग होना जरूरी है। फिफ्थ, हाउ कस्टमर विल इंस्टॉल योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंस्टॉलेशन में, अगर उसकी इंस्टॉलेशन जरूरी है तो उसमें कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको पूरा मैप करना जरूरी है। आज के दौर में लोगों को टाइम वेस्टिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि टाइम भी बचे और उनको आसानी से इजी स्टेप से कोई भी कस्टमर को इंस्टॉलेशन मिल जाए। तो आपको भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर अगर इंस्टॉलेशन जरूरी है तो उसकी प्रोसेस इजी रखना चाहिए और वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, उस बात का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। सिक्स, हाउ कस्टमर विल पे फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। पेमेंट मेथड हमेशा कन्वीनियंट एंड ट्रस्टवर्थी होना जरूरी है। आपके पेमेंट मेथड कोई भी हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या तो चेक के जरिए हो या तो कैश के जरिए हो, बट वो ट्रस्टवर्थी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर के व्यू ऑफ पॉइंट से। अभी मैं आपको 5 सब स्टेप्स बताऊंगी जो हर एक अबव 6 स्टेप्स में इंक्लूड होंगे। फर्स्ट, कीप अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग यूनिट दैट विल इन्वॉल्व। आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। सेकंड, व्हाट इज देयर इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस, यानी डिसीजन मेकिंग यूनिट डीएमयू में जितने लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा होगा। थर्ड, व्हाट इज देयर बजट अथॉरिटी, यानी आपके एक्चुअल बायर के पास पैसा कितना है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इन्वेस्ट करने के लिए। फोर्थ, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट ईच ऑफ दिस स्टेप्स, ये मैप करना बहुत जरूरी है कि इन
प्रोसेस के स्टेप्स को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपने टाइम अच्यूव नहीं किया, अगर आपने टाइम मैपिंग नहीं किया, तो आप लेट हो जाएंगे अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचने के लिए। और अगर आपके कंपटीटर आपके टारगेटेड ऑडियंस तक जल्दी पहुंच गए, तो कंपटीटर आगे पहुंच जाएंगे, आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। फिफ्थ, व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ दिस स्टेप्स। टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपके मार्केटिंग टीम, आपके सेल्स टीम में क्या क्या इनपुट हो रहा है, क्या क्या नई चीजें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और इन इनपुट के रिजल्ट में आउटपुट क्या क्या आ रहा है, कौन से पॉइंट में आउटपुट आ रहा है, क्या क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे आ रहा है, इन सारे पॉइंट को मैपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैंने आपको प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इनटू पेइंग कस्टमर कन्वर्शन प्रोसेस की 6 स्टेप्स बताए, 5 सब स्टेप्स बताए। इन सारी पॉइंट्स को, इन सारी स्टेप्स को अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, और जैसे जैसे आपको बिजनेस के अंदर रिजल्ट दिखेगा उतना ही आपके बिजनेस की ग्रोथ होगा। क्योंकि एक स्टार्टअप के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना, नई नई चीजों को सोचना और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से आता है परिवर्तन और परिवर्तन से मिलता है सफलता। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।